जेम्स अपने सबसे अच्छे दोस्त मार्क के साथ पार्क में बैठा था। दोनों स्कूल के बाद अक्सर यहाँ आते थे। जेम्स थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मार्क मुझे लगता है कि मुझे लिली से प्यार हो गया है। मार्क ने जेम्स की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने उसे बताया? जेम्स ने सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं जानता कि कैसे बताऊं, अगर उसने मुझे मना कर दिया तो। मार्क ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, डर मत दोस्त, उसे बताना ही होगा। अगले हफ्ते डांस पार्टी है, वो सबसे सही मौका है, वहां तुम अपने दिल की बात कह सकते हो। जेम्स थोड़ी घबराहट में था, लेकिन उसने मार्क की बात मानी। तुम सही कह रहे हो मार्क, मैं उसे बताऊंगा, पर क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मार्क ने हंसते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं जेम्स, तुम बस उसकी आंखों में देखना और अपने दिल की बात कह देना। अगले हफ्ते डांस पार्टी के दिन जेम्स बहुत नर्वस था। मार्क उसके पास आया और कहा, याद रखो जेम्स, जो कुछ भी हो सच बोलना ही सबसे अच्छा है। जेम्स ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाई। डांस फ्लोर पर जब सभी नाच रहे थे, जेम्स लिली के पास गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लिली, मुझे कुछ कहना है। लिली ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा, क्या हुआ जेम्स? जेम्स ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर दिल की गहराइयों से कहा, लिली, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लिली ने कुछ क्षणों के लिए जेम्स की ओर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। जेम्स, मुझे भी तुमसे कुछ कहना था, मुझे भी तुम पसंद हो। जेम्स का दिल खुशी से उछल पड़ा। मार्क दूर से यह सब देख रहा था और उसने जेम्स की तरफ अंगूठा दिखाते हुए कहा, शाबाश दोस्त। इस तरह जेम्स ने अपने दिल की बात लिली से कह दी और उसकी हिम्मत ने उनके बीच एक नई शुरुआत कर दी।